अलैक स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल होप यू आर इन गुड हेल्थ तो जो कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया कि कल हम करेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है इस ई वी एस के फ्राम टेस्टिंग टू डाइजस्टिंग फॉर क्लास फिफ्थ तो आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन है इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक ए ग्रीन गावा What kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? Think. What does the saliva in your mouth do? So, its answer is, When I bite a piece of green guava, it is hard and may even taste a bit bitter. Soft and sweet. स्लेवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ऑल्सो हेल्पस इन इट इज डाइजेशन ये मैं इसलिए पढ़ रही हूँ मे बी जब हम अपलोड करते हैं लेसन को तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है तो इसलिए मैं पढ़ के भी आप कुछ ना रही हूँ मे भी अगर इसकी क्वालिटी अच्छी ना आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मैं एक और बार रिपीट करती हूँ वेन आई बाईट अ पीस ऑफ ग्रीन गावा इट इज़ हार्ड एंड मे इवन टेस्ट एड बिट बिटर हाउर आफ्टर चीविंग इट प्रॉपरली इट बिकम अ सॉफ्ट एंड स्वीट सिले वेक्स अ फूड सॉफ्ट एंड आल् हेल्प इन इट इज डाइजेशन Uh, question number 17. Why do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. To all of you, have similar pictures. तो इन्होंने बोला है कि एक पिक्चर बनानी है जिस जैसे कि आपको लगे जो हम खाना खाते हैं वो फिर जाता कहाँ है आई थिंक इसका आंसर है आई थिंक द फूड वी ईट वुड गो फर्स्ट टू द स्टोमक एंड देन टू द इंस्टैनस तो आप छोटे हैं फिफ्थ क्लास के तो आपके लिए इतना है कि जैसे मतलब हम खाना खाते हैं मुंह में जाता है उसके बाद ये उस फिक्र से स्टोमक में जाता है उसके बाद ये इंटस्टैंडस में जाता है तो यहाँ पे ये पिक्चर बनाई है यह माउथ यह स्टोमक तो उसके बाद इंस्टेंस में जाता है तो आप सबको एक एक पिक्चर बनानी है क्वेश्चन नंबर एटीन है हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट फॉर एग्जांपल सम टाइम्स वी समी से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट इनका मतलब है कि मतलब इस क्वेश्चन का माने है जैसे कभी कभी हम इतने भूखे होते हैं हम बोलते हैं आई एम सो हंग्री मैं इतना भूखा हूँ आई कुड ईट एन एलिफेंट ये एक फ्रेज है कि मैं एक मतलब हाथी खाऊंगा हाथी तो लिटरली नहीं खाते हम बोलते हैं कि इतना मैं खाऊंगा मतलब मैं इसका मतलब है बहुत भूखा हूँ तो आपको कैसा फील होता है तो इसका आंसर है आई फील ए बिट टायर्ड व्हेन आई एम वेरी हंग्री जब हमें खुद भूख लगती है तो उस वक्त हमें मतलब हम बहुत टायर्ड फील करते हैं लो एनर्जी होती है हमें बिसाइड्स आई बिसाइडस आईफिल एम्टी सेंसेशन इन द स्टोमक एंड वॉन्ट टू ईट समथिंग इमिडिएटली तो कभी कभी हम बोलते हैं कि हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं इतनी भूख हमें लगी है तो यही हमने लिखा है आई फील आईफिलेन एम्टी स्टमक सेंसेशन इन द स्टोमक एंड वॉन्ट टू ईट समथिंग इमिडिएटली उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री इसका आंसर है वैन माई स्टोमक फील इज एम्प्टी एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट सम आई कम टू नो दैट आई एम हंग्री सिंपल है क्योंकि हमें उस वक्त स्टोमक में मतलब एक अर्ज फील होती है अंदर से कि हमें भूख लगती है तो उसी तरह हमें पता चलता है कि हम भूखे हैं फिर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थिंक वट वुड इफ यू डू नॉट ईट एनी थिंग फॉर टू डेज इसका एक्चुअली uh, क्वेश्चन है थिंक वाट वुड हैपन तो क्या होगा अगर हम दो दिन तक कुछ नहीं खाएंगे इसका आंसर है इफ़ आई डोंट ईट एनी थिंग फॉर टू डेज आई विल बिकम वीक एंड फॉल इल इसका आंसर है अगर हम दो दिन तक कुछ नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं और बहुत ही कमजोर हो जाएंगे इसमें बहुत क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें बहुत क्वेश्चन हैं तो ट्वेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर टू डेज वायर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज इसका आंसर है नो आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर टू डेज वाटर असेंशल फार लाइफ द वॉटर व यूज्ड इन वेरियस मेटाबोलिक एक्टिविटीज विदिन आवर बॉडी एंड सम वाटर एंड सम वाटर इज एक्जेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रो यूरिन एंड सुबट यहाँ पे इसने दो जगह लिखा है विद इन एक्टिविटीज विद आवर बॉडी एंड सम वाटर मतलब द वाटर वई ड्रिंक इज यूज इन वेरियस मेटाबोलिक एक्टिविटीज विदिन आवर बॉडी एंड सम वाटर एंड सम वाटर यहाँ पे दो बार ये आप ध्यान रखना यहाँ पे दो बार आया है ए एंड वाटर एंड सम वाटर ये मतलब बुक मिस्टेक है तो मतलब आप एक ही जगह लिखना एंड सम वाटर ये देखिए एंड सम वाटर एंड सम वाटर एक ही बार है एंड सम वाटर एक को आप क्लास माना इज एग्जर्ट आउट ऑफ द बॉडी और इसमें होती है कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी तो उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देना आप उनको ठीक ठीक लिखना फिर ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू डो यू रिम्बर दैट इन क्लास फोर्थ यू हैव मेड ए सोलूशन ऑफ शुगर एंड साल्टज फॉल्लो मेड दिस एंड गिव हर वाई डू यू थिंक दिस इज सामन वोमिटिंग एंड लूज मोशन मतलब जब आप क्लास फोर्थ में थे उस दिन आपने सीखा था एक हमने बनाया था शुगर एंड साल्ट हमने भी अपने स्कूल में बनाया था मुझे याद है तो ये बोलते हैं क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बोलता है इसमें कि नीतू का फादर उसने ब, ब, बनाया था तो उसने क्यों दिया था नीतू को वो आपको क्या लगता है तो इसका आंसर है द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड शुगर इन आवर बॉडी डिक्रीज व्हेन वी हैव वोमिटिंग एंड लूज़ मोशन टू रिप्लेस दिस लॉस एंड द सोलूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इज गिवन सिंपल है जब कोई डहेरिया हो जाता है उसको लूज़ मोशन हो जाता है या वोमिटिंग हो जाता है तो जो इसमें वाटर होता है उसकी बॉडी में और जो न्यूट्रेंट्स होते हैं लाइक सॉल्ट जो होता है शुगर होता है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बार बार अगर रिपीटेडली वोमिटिंग हो या लूज मोशन हो तो इसी के लिए उसने उसको दिया टू तो कम्पनसेट द लॉस इमिडिएटली उन्होंने उसको ये सोलूशन जिसको गोल भी बोलते हैं ये बना के दिया तो ये हम खुद भी घर पर बना सकते हैं अगर आपको वोमिटिंग लगता है गर्मी में ज़्यादा लगती है या डहेरिया लगता है तो आप ये बना सकते हो उसके बाद एक ट्वेंटी थ्री हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन न्यूट्रिटन इन एयर वॉयर आपने क्या ग्लूकोज वर्ड कभी देखा है या पढ़ा है कहीं पे या देखा है कहीं पे लिखा हुआ तो कहाँ पर येस आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज एंड सीन न्यूट रिटर्न ऑन ग्लूकोज पैकेट आई हैव सीन इट इन वेरियस एडवर्टाइज ऑन टी वी एंड इन न्यूज़ पेपर एटसट्रा एडवर्टीजमेंट्स में भी हम देखते हैं ग्लूकोज जैसे वो ग्लिकॉन डी होता है गुलकॉन सी होता है बहुत सारे ग्लूकोज जो होते हैं तो उनका हम ऐड देखते हैं तो मतलब ये हमें पता है तो आज हम इतना ही इतनी ही क्वेश्चन करेंगे ट्वेंटी फोर तक तो कल हम ट्वेंटी फाइव से करेंगे थैंक्स